मैनुअल स्कैनिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। आप यूट्यूब में, मैंने एक वीडियो इसमें अपलोड किया हुआ है, तो उसमें आप ये जो है हाउ टू इंस्टॉल क्योसेरा क्विकसेंस सॉफ्टवेयर, ये आप टेक्स्ट कीजिएगा सर्च बार में, या नीचे पीछे वाला कोड आप टेक्स्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में ये डाउनलोडिंग लिंक दिया हुआ है, तो ये लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए तो ये यहाँ से सीधा डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप ये डाउनलोडिंग ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, फिर डाउनलोड एनीवे। तो ये इसको आप डेस्कटॉप पे या डी ड्राइव में सेव कर दीजिए, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। ये डाउनलोडिंग डाउनलोड ही हो गया सीधा, बहुत छोटा फाइल है। अगर सपोज नहीं हुआ तो थोड़ा वेट कीजिएगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम लोग ओपन करते हैं, सो इन फोल्डर। ये आ गया है यहाँ पे, इसको हम लोग राइट क्लिक करके फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट हियर करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। एक्सट्रैक्ट फाइल नहीं कीजिएगा, एक्सट्रैक्ट हियर कीजिएगा, तो यहाँ पे बाजू में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ये फाइल यहाँ पे। अभी हम ये जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा पूरा तो आप फिर ओपन कीजिए। इसके अंदर KM करके एक फाइल है, फोल्डर है, इसको ओपन कीजिए। इसमें नीचे आपको सेटअप करके एक फाइल मिलेगा, ऐसा डिस्क जैसा, सेकंड लास्ट फाइल, इसको आप रन कीजिएगा। इसको रन करेंगे तो आप इसको यस कर दीजिए, फिर इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं। हाँ, तो ये स्टार्ट हो गया अभी सेटअप। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिए, उसके बाद आप एक्सप्रेस इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये जो आईपी वाला एड्रेस है ना मशीन का, ये आप सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे दो एड्रेस दिखेंगे, मैक एड्रेस दिखेगा और ये दिखेगा, तो जनरली ज़्यादातर आप ये लेंगे तो ठीक रहता है आईपी वाला। उसके बाद यहाँ पे एक यूज होस्ट नेम एज अ पोर्ट नेम, इसको भी आप टिक कर दो तो आईपी चेंज होगा तो भी आपका स्कैनिंग बंद नहीं होगा। उसके बाद आप ये इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी इंस्टॉलेशन हो गया है तो यहाँ पे ऐसा बॉक्स पूछेगा, तो इसमें आप ये सब अनटिक कर दो, स्कैन टू PDF, स्कैन टू फोल्डर, स्कैन टू मेल, खाली आप ये क्योसेरा क्विक स्कैन टिक रखिएगा तो ये डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनेगा इसका। ओके कीजिए, ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल होके ये आ गया है क्विक स्कैन क्योसेरा, ये देखिए हो गया है। अभी मैं इसको आप फिनिश कर दो, फिनिश। इसके बाद ये डायलॉग बॉक्स को आप क्लोज कर दो, आर यू श्योर, यस, ये इंस्टॉल हो गया है। अभी आप ये सॉफ्टवेयर को आप रन करो,
तो ऐसा बॉक्स खुल जाएगा। अभी अगर आपको स्कैन करना है तो बस खाली आप ये स्टार्ट स्कैन जो लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक करो खाली, तो स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा। मशीन के ऊपर आप पेपर रख दीजिए और ये स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए प्रोसेसिंग होने लगा और ये स्कैनिंग हो रहा है अभी यहाँ से। ये स्कैनिंग हो गया और ये सीधा बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये स्कैन फाइल आपको सीधा दिखेगा यहाँ पे। तो इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और बाद में स्कैनिंग कर सकते हैं। और आपको कुछ थोड़ा एडवांस सेटिंग यूज़ करना है तो आप ये एडवांस मोड में चले जाइए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, कुछ भी कैसे यूज़ करना है क्या करना है। डुप्लेक्स बोथ साइड स्कैनिंग करना है तो आप यहाँ पे ऑन कर दीजिए। स्कैन को साइज देना है तो आप साइज दे दीजिए कुछ भी। रिजोल्यूशन छोटा बड़ा थोड़ा ज़्यादा कम करना है तो वो कर सकते हैं। इसे छोटे मोटे थोड़े बहुत इसमें ऑप्शंस अवेलेबल है तो आप वो सिलेक्ट करके भी स्कैनिंग कर सकते हैं। थैंक यू।